जिसने भी माउस का आविष्कार किया वह एक प्रतिभाशाली था, नहीं तो हम खेल भी नहीं खेल पाते। माउस की गति को सहजता से समझने की क्षमता उसके नीचे एक छवि अधिग्रहण प्रणाली पर आधारित है। यह एक लेंस के माध्यम से अवरक्त प्रकाश को शूट करता है जो माउस पैड को नीचे रोशन करता है। जो साधारण सा दिखने वाला माउस पैड एक पहाड़ की तरह दिखता है और ये सभी छवियां छवि संवेदक तक पहुंचेंगी। उस प्रकाश के साथ छवि संवेदक हर सेकंड हजारों तस्वीरें लेता है। ये फोटोज एक जटिल एल्गोरिदम के माध्यम से प्रोसेसर को भेजे जाते हैं। फोटोज के बीच विशेषताओं में भिन्नता की तुलना करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में परिवर्तनों का निर्धारण करने के लिए माउस जानता है कि हमने किस दिशा में कितनी दूरी तय की है, और अंत में डेटा कंप्यूटर को भेजा जाता है। यह एक लंबी प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन हमें देरी महसूस नहीं होती क्योंकि दो तस्वीरों के बीच केवल शून्य ध्रुव से 6 सेकंड का समय होता है। कई प्रकार के माउस होते हैं, पर